नमस्कार, आप देख रहे हैं देशिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ कोमल वर्मा। टीवी एक्ट्रेस तनीषा शर्मा का कल अंतिम संस्कार हो गया। आपको बता दें 24 दिसंबर को टीवी और फिल्मों की एक्ट्रेस तनीषा शर्मा ने दोपहर करीब 3:30 बजे आत्महत्या कर ली थी। फितूर और बार बार देखो जैसी फिल्मों में काम करने वाली तनीषा अभी महज 20 साल की थी। अगर उनके वीडियोस और फोटोज से अंदाज़ा लगाया जाए तो वे बहुत हंसमुख स्वभाव की थी, हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थी। लेकिन शायद किसी को नहीं पता था कि तनीषा ने अपने हंसते मुस्कुराते चेहरे के पीछे कितना दुख छिपा कर रखा था। जिस दिन तनीषा ने आत्महत्या की थी वह उस दिन अपने अली बाबा टीवी सीरियल की शूटिंग कर रही थी। इस सीरियल से वह मरियम के किरदार से काफ़ी फेमस हुई थी। आपको बता दें तनीषा शर्मा की मौत हैंगिंग यानी फंदे से लटकने के कारण हुई। तनीषा पिछले कुछ समय से अलीबाबा के को स्टार सीजान खान के साथ रिलेशनशिप में थी। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे, पर 17-18 दिन पहले तनीषा और सीजान खान का ब्रेकअप हो गया था। ब्रेकअप के बाद से ही तनीषा परेशान थी और निराश रहने लगी थी। इसी से दुखी होकर एक्ट्रेस ने 24 दिसंबर को सीजान खान के ही मेकअप रूम में सुसाइड कर लिया। तनीषा ने इसके लिए सीजान खान का मेकअप रूम ही क्यों चुना, ये अभी तक समझ नहीं आया है। अभी तक की जो जांच हुई है उसमें तनीषा शर्मा के साथ जबरदस्ती के कोई भी संकेत नहीं मिले हैं। ऐसे में हत्या का कोई भी एंगल नहीं बनता है। आपको ये तो अच्छी तरह से मालूम होगा कि एक्ट्रेस तनीषा शर्मा का आत्महत्या का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले 15 अक्टूबर 2022 को खबर आई कि 30 वर्षीय एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर का निधन हो गया। उनके निधन की वजह सुसाइड बताई गई थी। खबर ये थी कि उनकी शादी टूट गई थी और ब्रेकअप भी हुआ था, जिसके कारण वे परेशान चल रही थी। 14 जून 2020 को खबर आई थी कि 34 वर्षीय एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो गया। मुंबई पुलिस ने उनके निधन का कारण आत्महत्या बताया था, लेकिन सुशांत की फैमिली और फैंस आज भी इसे सुसाइड केस नहीं मानते हैं। सुशांत ने टीवी से करियर की शुरुआत की थी और बॉलीवुड के चर्चित चेहरे बन गए थे। उन्होंने MS धोनी फिल्म से खासा नाम कमाया था। बालिका वधू फेम एक्ट्रेस प्रत्युषा बनर्जी ने 1 अप्रैल 2016 को मौत को गले लगा लिया था। प्रत्युषा ने उस समय बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह के साथ लेवी रिलेशनशिप में थी। प्रत्युषा प्रोफेशनल प्रेशर के चलते शराब की आदी हो गई थी और उनकी सेविंग्स भी लगभग खत्म हो गई थी। देखते ही देखते उनके और बॉयफ्रेंड राहुल के भी खूब झगड़े होने लगे थे। आखिरकार तंग आकर एक्ट्रेस ने अपने मुंबई स्थित अपार्टमेंट में फांसी लगा ली। गजनी, निःशब्द और हाउसफुल जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी एक्ट्रेस जिया खान ने 3 जून 2013 में सुसाइड किया था। जांच में सामने आया था कि जिया अपने बॉयफ्रेंड सूरज पंचोली से परेशान थी। जिया प्रेग्नेंट थी, लेकिन सूरज ने इमेज खराब होने के डर से गैर कानूनी तरीके से उनका अबॉर्शन करवा दिया था। घर में हुए अबॉर्शन से जब जिया की तबीयत बिगड़ी तब भी सूरज उन्हें अस्पताल नहीं ले गए। दोनों के बीच अनबन बढ़ती चली गई और आखिरकार जिया ने फांसी लगा ली। अपनी आपबीती एक्ट्रेस ने एक सुसाइड नोट में लिखी थी। बता दें सूरज पंचोली बॉलीवुड एक्ट्रेस आदित्य पंचोली के बेटे हैं, जिन पर एक्ट्रेस कंगना रनौत ने उन पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया था। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए देशित न्यूज़ के साथ।